साथियों, नक्सलियों का ये मनोबल कांग्रेस के ढकोसला पत्र से भी बढ़ रहा है। कांग्रेस जिसे मैनिफेस्टो कहती है वो उनका ढकोसला पत्र है और उस ढकोसला पत्र में इसकी बू आ रही है। इस चुनाव में कांग्रेस ने ऐलान किया है कि अगर दिल्ली में उसकी सरकार बनी तो वो राष्ट्रद्रोह का कानून खत्म कर देगी। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जो यहां जंगलों में शांति से रहने वाले हमारे आदिवासी परिवारों को, बच्चों को भड़काते हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए इनको हथियार पकड़ाते हैं, ऐसे लोगों को अब खुला लाइसेंस मिल जाएगा, खुली छूट मिल जाएगी। उन पर वैसी सख्त कार्रवाई नहीं हो पाएगी जो हमारी सरकार कर रही है। भाइयों और बहनों, क्या राष्ट्रद्रोह का कानून हटना चाहिए? पूरी ताकत से बताइए, क्या राष्ट्रद्रोह का कानून हटना चाहिए? कांग्रेस का हाथ विकास के साथ या विनाश के साथ है? क्या आप चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ हिंसा के उस पुराने दौर में पहुंच जाए? छत्तीसगढ़ को लैंडमाइन माइन चाहिए या फिर छत्तीसगढ़ को बिजली की लाइन और पानी की पाइपलाइन चाहिए? भाइयों बहनों, कांग्रेस का पंजा सिर्फ नक्सलियों के साथ ही नहीं है, बल्कि उन लोगों के साथ भी है जो देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ के, भारत के लाखों वीर जवान जम्मू कश्मीर को आतंकी गहरी साजिशों से बचाने में जुटे हैं, वहां के नागरिकों की रक्षा में अपना प्राण दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का पंजा उनको भी कमजोर करना चाहता है। कांग्रेस कहती है कि हमारे जो जवान आतंकियों से लड़ रहे हैं, उनको जो सुरक्षा कवच मिला हुआ है, उस सुरक्षा कवच को भी हटा लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा। क्या ये शोभा देता है? क्या ये सही सोचा जा रहा है? क्या देश के लिए जान हथेली पर रखने वाले हमारे सपूतों को जो एक विशेष कानूनी अधिकार मिला है, उसको कांग्रेस छीनना चाहती है? साथियों, कांग्रेस के इस ऐलान से हिंसा और आतंक फैलाने वाली ताकतें खुशी के मारे उछल रही है, नाच रही है। क्या कांग्रेस को आप देश की सुरक्षा से, अपनी सुरक्षा से खिलवाड़ करने देंगे?